एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले तो कल दिवाली है, तो सभी को हैप्पी दिवाली। और जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी मैं लग्जमबर्ग में हूँ और कल दिवाली है, तो हमें अपना घर डेकोरेट करना था। जैसे कि हर कोई चाहता है दिवाली के दिन अपना घर डेकोरेट करना, तो दिए तो हम जलाएंगे ऑब्वियसली, तो हमें फूल भी चाहिए थे। और यहाँ पे हमें तोड़ना इतना पसंद नहीं है फूल तोड़ना, तो मेरी सिस्टर ने घर पे फूल की माला बनाई है। तो जो उसने फूल बनाए हैं वो बनने के बाद कुछ ऐसे दिखते हैं। ये फूल हैं, ये कागज के बने हुए हैं, और ये आप जैसे अभी बना रहे हो तो ये आपके हमेशा चल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये मुरझा जाएंगे या फट जाएंगे। ये आप इनको अच्छे से रखोगे तो ये आपको अगले साल भी काम आ जाएंगे। तो आप ये फूल बना के इसकी माला बना सकते हो, और अगर आप फूल ना बना के सिंपल ऐसे माला भी बना सकते हो। तो मैं ये आपको कैसे बनाना है वो मेरी सिस्टर ने बनाई हुई है, तो मैं उसके आपको ट्यूटोरियल इसके साथ ऐड कर देती हूँ। हमने ये पेपर्स ले लिए हैं, इसको आपने चार फोल्ड कर लेना है। उसके बाद उसमें ऐसे सर्कल्स बना के काट लेना है, बीच में दो मार्क बना लेना, और फिर साइड साइड पे कैंची से कट करके इनको ऐसे रोल रोल कर लेना है। उसके बाद हर एक पोर्शन को काट के रोल करना है ताकि बाउंसी बाउंसी लगे हमारी माला। फिर हमने सभी को रोल कर लेना है, और जहाँ पे निशान था वहाँ पे सुई और धागे से फूलों को एक साथ टाई अप कर लेना है, और जिससे कि हमारी सुंदर सी माला बन जाएगी। तो हमने अपनी फूलों की माला बना के सजा दी है। आप बताओ आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और आप ये ट्राई करना चाहोगे या नहीं ये भी बताओ।